नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही थी। ऑप्टिक्स के अंदर अपन फ्रेनहोफर डिफ्रेक्शन पढ़ रहे थे। इसमें आज मैं आपको विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर के बारे में बताऊंगी। अगर हम दूर से आती हुई किसी भी बस की हेडलाइट को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, पर जैसे जैसे वह बस हमारे समीप, मान ले हम यहाँ खड़े हैं और वो बस यहाँ पर है, जैसे जैसे यह बस हमारे समीप आएगी, पास आएगी, तो हम उसकी दो हेडलाइटों को अलग अलग देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रेलवे स्टेशन पे ओपन देखें, रेलवे की मान ले ये दो पटरियां हैं, ये हम इनको दूर से देखें तो हमें सिर्फ एक ही पटरी दिखाई देगी, पर जब हम इस रेलवे की पटरी के समीप जाएंगे तो हम इन दोनों रेल लाइनों को अलग अलग विभेदित, अलग अलग दूर से देख सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हम अगर वस्तु दूर है तो हम उन दो वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हमें वो वस्तुएं एक ही दिखाई देगी। अब हमें इन वस्तुओं को अलग अलग देखना है। तो अगर कोई भी वस्तु हमारी आंख के ऊपर 1/60 डिग्री या इससे अधिक कोण बनाए तो हम कह सकते हैं कि हम इस वस्तु को, जैसे कि यहाँ दो रेल की पटरियां हैं, इन वस्तुओं को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो इस 1/60 डिग्री, या मैं इसको मिनट में कहूं तो 1 मिनट कहेंगे, हम 1 मिनट से अधिक कोण अगर हो तो हम उन वस्तुओं को अलग अलग देख पाएंगे। इस 1/60 डिग्री या 1 मिनट को हम विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं। अब यहां पर मैंने आंख के लिए, जैसे यहां पर माना है कि मेरे पास एक कोई वस्तु है 1 मिलीमीटर, जिसका स्प्रेड है, हम उसको आंख से देख रहे हैं। हम उसको देख रहे हैं जब हमने दूरी मानी है 3.6 मीटर की दूरी से हम इस 1 मिलीमीटर की वस्तु को देख रहे हैं। तो हम इस 1 मिलीमीटर की वस्तु, या जो कि हमारी स्केल है, इसके ऊपर, स्केल के ऊपर हमें पता है बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, हम इन डिविजन्स को सेपरेटली देखना चाहते हैं। हम दूर से देखेंगे तो हमें ये सारे डिविजन्स बिल्कुल मर्ज्ड दिखेंगे। अब अभी मैं 3.6 मीटर की दूरी से इसको देख रही हूं तो हमें ये खाने बिल्कुल ब्लर दिखेंगे और इनको हमें अलग अलग देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारी आंख के लिए हम जो विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता जो हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डेल्टा थीटा बराबर 1 मिलीमीटर बटे 3.6 मीटर। इसको मैं पहले रेडियन में बदल रही हूं, ये हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है। अब इसको हम डिग्री में बदल सकते हैं। डिग्री में बदलने के लिए हमें इसको 180 डिग्री बटे 3.14 से करना होगा। ये मेरा लगभग 1 मिनट के बराबर आता है। तो हमारी आंख के ऊपर यदि ये दो हम ले रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें सेपरेटली देखना है, तो ये यहां पर हम इनको आंख से देख रहे हैं। अगर ये वाला जो कोण आंख के ऊपर बन रहा है ये 1 मिनट से कम है तो हमारी आंख इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं देख पाएगी। अगर ये कोण 1 मिनट से, जैसे मैं यहां दिखा रही हूं, अधिक है तो हमारी आंख
इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सेपरेट देख सकती है। तो हमारे पास किसी भी पास वाले दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देखने के लिए जो विभेदन पास वाले दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना, इसको हम कहते हैं विभेदन। और इनको अलग अलग देखने की जो क्षमता है उसको हम विभेदन क्षमता कहते हैं। रिजॉल्विंग पावर का क्या अर्थ हुआ? रिजॉल्विंग पावर मीन्स कि हम क्लियरली दो नेबरिंग क्लोज ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सेपरेट देख सके, जैसा कि हमारे इस फिगर के अंदर हमने दिखाया है। अब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, हम दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कि हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की सहायता से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इमेज देखेंगे, तो हमें उसके लिए एक कंडीशन निकालनी होगी कि कब हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से हम सेपरेटली देख सकते हैं। तो जो विभेदन क्षमता होती है वो रेसिप्रोकल होती है विभेदन सीमा के। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द रिजॉल्विंग लिमिट। अब दो नेबरिंग जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट देखना है टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो मैं उसके लिए एक कंडीशन निकालूंगी। इस कंडीशन को हम रेले की विभेदन की कसौटी, रेले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन कहते हैं। रेले ने एक क्राइटेरिया दिया जिसके अकॉर्डिंग हम दो पास वाले जो हमारी इमेजेस हैं उनको सेपरेट कैसे देख सकते हैं। रेले के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है वो डिफ्रेक्शन पैटर्न इस तरह से हो कि फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, ये मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है ए पॉइंट के ऊपर, और इसी पॉइंट के ऊपर जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है उसका पहला मिनिमा, ये मैं दिखा रही हूं आपको चित्र द्वारा, इसका पहला मिनिमा यहां पर आए, ये दोनों एक ही पॉइंट ए के ऊपर आए, तो इस स्थिति के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स दो पास वाले नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व हम अपनी आंख द्वारा कर सकते हैं, मतलब हम उनको क्लियरली पास वाले दो नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दैट मींस जब हमें दो बिम पास पास रखे हुए हैं तो एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे आए, तो इस कंडीशन को हम जस्ट रिजॉल्व मात्र विभेदित स्थिति कहते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको हम विभेदन सीमा कहते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज इन सच ए वे दैट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट एंड द मिनिमा ऑफ सेकेंड दे कॉन्साइड एट द सेम पॉइंट। तो इस स्थिति के अंदर हम दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स को पूर्णतः विभेदित कर सकते हैं। अब मैं कंडीशन मान रही हूं जब ये वाली स्थिति कंप्लीटली रिजॉल्व की है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, ये मैक्सिमा है, दोनों मेरे सेंट्रल मैक्सिमा सेपरेटली हमें क्लियर दिख रहे हैं। ए और बी पॉइंट ये बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं, इस कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये मेरा
इसका पहला मिनिमा आ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का मिनिमा आ रहा है बी पॉइंट के ऊपर, जहां दूसरे ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा है। तो ये मेरी कंप्लीटली रिजॉल्व की कंडीशन है। अब अगर मेरे पास जस्ट रिजॉल्व की जो कंडीशन देख रही हूं, इस कंडीशन में यहां बीच का जो एरिया है, इस एरिया में जो मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो अप्रोक्सीमेटली 81% आती है दोनों की, दोनों जो मेरे मैक्सिमा है। अब इस कंडीशन में हम इस इंटेंसिटी डिप को भी क्लियरली देख सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन होती है। अब जब मेरे पास ये कंडीशन है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली व्यू नहीं कर सकते, इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमास दोनों के और मिनिमास के बीच में ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा, तो हमारे पास इस कंडीशन में हम उनको कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं कर पाते। दिस इज द कंडीशन फॉर अनरिजॉल्व स्टेट। तो रेले के अकॉर्डिंग अगर हमें किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली व्यू करना है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिफ्रेक्शन पैटर्न जो बन रहा है उसका मैक्सिमा सेकेंड ऑब्जेक्ट के फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमा की पोजीशन पे कॉन्साइड होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जस्ट रिजॉल्व की। तो आज अपन ने विभेदन क्षमता और रेले की विभेदन की कसौटी को अच्छे से समझा है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।